हर एक को भगवान हो सकता है, हर एक में आकर्षण शक्ति भगवान ने डाली है, पर जब निर्विकारी भी हो, जब निर्विकारी होगा तब तो आकर्षण शक्ति आएगी, उसके अंदर वासना ही नहीं रहती है, कुछ रहता नहीं है, खाली रहता है, बिल्कुल तात्लेस, ईगोलेस, उसके दिल में बिल्कुल सच्चाई रहती है, और वो मन जानता नहीं, बुद्धि जानता नहीं, उसारी जानता नहीं, उसारी क्या होती है, तू देखो जितने भी माया में बैठे हैं, थोड़ा चतुराई, थोड़ी उसारी, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश करना, उधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना, तुम सीधा रास्ता नहीं लेते हैं। जो भगवान का रास्ता है, पूरा रास्ता वो कोई नहीं लेता है, सब तेरी मेरी जैसे माया है, तू भी तेरा मेरा होके चलता है। तुम बोलो मनुष्य चतुराई का घर है, हर एक मनुष्य कोई ना कोई चतुराई करता है, वो तो ऐसे थोड़ी दुनिया में रह सकेंगे, चतुराई करेंगे, दुनिया से तो मेरा इनाम मिलेगा, पर भगवान से जरा भी इनाम नहीं मिलेगा, हम हार खा के चल जाएंगे। तो भगवान के आगे पास हो गए कि हमको दुनिया में पास होने का है, दुनिया में दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती हूँ दुनिया को पागल, तुम ही बताओ कौन है पागल, दुनिया को तो कभी हम खुश नहीं करेंगे, पर हम अपने को चेंज करेंगे तो शायद दुनिया खुश होगी। अभी भाई ये दुनिया में बदल गया है, दुनिया ने बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परमानंद, जब भी तू दुनिया को बदलेगा तो नहीं बदलेगा, पर जब भी तू अपने को चेंज करेगा तो मेरे में बाकी क्या गलती है, क्या द्वेष है, क्या इच्छा है, क्या मोह है, सब विकार अपना देखना, आज से प्रॉमिस करो गुरु का दिन है तो आज से विकार अपना, और दूसरे का सपने में भी विकार न सोचना, तो इधर ऐसा है उधर ऐसा है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते तो ये बात हमेशा है, सोचो कभी मन बुराई करे किसकी, तो ये ऐसा है उसको बोल, तुमने फिर द्वेष को किया, किसलिए द्वेष किया, आया खिला जाएगा खिला, साथ नहीं कोई आता है, साथ नहीं कोई जाता है, फिर भी क्यों हम जान से भरोसा करते हैं, जान में भरोसा क्यों, मेरे लिए जान ही नहीं है, जान का जो मालिक है वो मेरा है, बस जहाँ कहाँ से उसको चुनो, तो भगवान है तो ये जान का इससे इसको नहीं देखा था, इसको नहीं देखा था तो मन दूसरे ही भगता था, जब से किसी को देखा है तो उसके लिए तेरे मन में कुछ ना कुछ संकल्प आता है, ये इधर रहने वाली है, ये उधर रहने वाली है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी नंदा है, ये इसकी मासी है, ऐसे भक्ति से पशु के फिर उधर मन लकड़ में जाता है, पर जब हम जानते ही नहीं है किसी को, तो ये मामा या चाचा है, अर्जुन को भी भूल हुई, बोला मैं कैसे लड़ाई करूँ, मामा चाचा दादा सब खड़े है, मैं उनके सामने कैसे लड़ूंगा, मेरे बहुत तकलीफ होती है जो बड़े लोग से वो मरेगा लड़ाई में, फिर जो भाभी विधवा होगी फिर मेरे कोई बोलेगी तुम ये राज करता है, तो अर्जुन को मामा चाचा दिखाई दिया, पर कृष्ण ने क्या चाबी फेरी जो फिर उसको सबने आत्मा दिखाई दी, जब सब भगवान का रूप है तो उनको किसकी बुराई सपने में भी देखने में आती है, तो वो मेरी कोई इच्छा है, मेरी कोई गलती है, तो एकदम उसकी गलती बोलते हैं या नहीं, सबकी गलती बोलते हैं या नहीं, तब हमारा उससे क्या मतलब, वो तो अपने सुबह में ये अर्जुन है, सब अपने सुबह में चले गए, तुम उसको फ्रीडम देते हैं मन से तो भाई ये लोग फ्री फ्री है, वह अपने दिल का राजा है, वो अपने दिल का राजा है, तुम किसके लिए बोलते हैं, इसकी आज़ादी क्यों खींचते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्यों दूसरे की आज़ादी को पकड़ेगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तू पागल खाने में जाए, तुम्हारे दिमाग में गोबर भर भर जाएगा, ये दूसरे की बात किया कभी सपने में भी, तो इसको तुम्हारे से उसने सलाह लिया भी तो तुमसे करने उसको दियो, सलाह ले तो भी दियो पर बात नहीं चले, तो मैंने दिया उसको मेरे से श्रद्धा से दो बात, उसने मेरे से
मेरे से ज्ञान निकाला, कुछ भी निकाला पर मैंने कुछ नहीं दिया। उसने पूछा, तभी मैंने बोला वो याद नहीं है, पर जो तू डूअर बन के किसी को सुझा भी देगा, अच्छी बात भी करेगा डूअर बन के, तो वो सुनेगा। उन लोगों को कहानी नहीं है दुनिया में जो वो बात समझे। किसी को दुनिया में कान नहीं है जो किसको सुनाई दे तो इसने अच्छा बोला। क्यों? सबको अंदर ईगो है, उसको धिक्का लगता है, ईगो को अहंकार को धिक्का लगता है। तो जब धिक्का लगता है तो वो अंदर बात नहीं लेते हैं। सब दुनिया में जीव प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब जीव में अहंकार है।